Spirit News Special Report is brought to you by Hollister Fitness Gym. नमस्कार, Spirit News की Special Reports में आपका स्वागत है और मैं हूँ वंदना हंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बुधवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया। आपको बता दें कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जब विवाद हुआ था, तो उसके बाद 1993 में अयोध्या में विवादित स्थल सहित आसपास की करीब 66 एकड़ जमीन का केंद्र सरकार ने अधिग्रहण किया था। तभी से ये जमीन केंद्र के अधीन थी, लेकिन अब सरकार ने इस राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य रखे जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत ट्रस्ट मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। सरकार ने 9 नियम बनाए हैं, जिसके तहत ट्रस्ट काम करेगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं सरकार और ट्रस्ट के बीच करार के ये नियम। पहला, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में ट्रस्ट के स्थायी कार्यालय पर चर्चा होगी। फिलहाल ट्रस्ट R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के पते से ही काम करेगा। यहीं पर राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा और आगे किस तरह से काम करना है, इसका रेड मैप तैयार किया जाएगा। मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का काम ट्रस्ट ही करेगा। केंद्र सरकार का ट्रस्ट के कामकाज में कोई भी दखल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा। दूसरा, केंद्र सरकार का ट्रस्ट के कामकाज में कोई भी दखल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। ये ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं जैसे अनुक्षेत्र, किचन, गौशाला, प्रदर्शनी, म्यूजियम और सराय का इंतजाम करना होगा। तीसरा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कानूनी रूप से ट्रस्ट श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रस्ट लोन भी ले सकता है। चौथा, राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी बोर्ड किसी एक ट्रस्टी को प्रेसिडेंट मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त करेंगे, जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। वहीं जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष को भी इन्हीं सदस्यों से ही नियुक्त किया जाएगा। पांचवा, राम मंदिर निर्माण के लिए मौजूदा दल को लेकर ट्रस्ट निवेश पर फैसला लेगा। मंदिर के लिए निवेश ट्रस्ट के नाम पर ही होंगे। छठा, राम मंदिर के लिए प्राप्त किए गए दान का इस्तेमाल सिर्फ ट्रस्ट के कामों के लिए ही किया जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य काम के लिए इस धन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सातवां, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई अचल संपत्ति के बेचने का अधिकार ट्रस्टीज के पास नहीं होगा। आठवां, राम मंदिर के लिए मिलने वाले दान और खर्च का हिसाब ट्रस्ट को ही रखना होगा। इसकी हर साल का बैलेंस शीट बनाई जाएगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करेगा। नौवां, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान हुए खर्च का भुगतान ट्रस्ट के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए आप स्पिरिट न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।